जाट इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट नारवाल का महाना इजलास मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत चौधरी मोहम्मद अरशद गनी लली ने की, जबकि मेज़बान के फ़रायज तहसील सदर चौधरी तनवीर वाला ने सरंजाम दिए। इस मौके पर साबक ज़िला नाज़म कन्नत जवेद कालों मेहमान खसूसी थे। दीगर मेहमानों में चौधरी खालिद महमूद ततला, चौधरी आज़म वड़ाइत, चौधरी अरशद अली चाड़ कालों, चौधरी इम्तियाज़ महेस, चौधरी साजिद बाजवा, चौधरी जमील पड्डा, चौधरी रियाज वाला, हाफिज सफदर बिंडर, चौधरी अमजद बसरा, चौधरी शकील अहमद ततला, चौधरी मसूद अहमद खंगूड़ा, चौधरी मोहसन वाला, चौधरी इरम इफ्तखार वाला, चौधरी शहबाज ततला, चौधरी अल्ला रहम और चौधरी हमजा बाजवा ने शिरकत की। इस मौके पर साबक ज़िला नाज़म कर्नल जवेद सफदर ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने कबीले पहचान के लिए बनाए हैं ताकि तुम मुआशरा में अपनी अपनी अलग पहचान रख सको। जट एक गैरतमंद कौम का नाम है, हर किसी को अपनी बरादरी और ख़ानदान अजीज़ होता है। चौधरी खालिद महमूद ततला ने खिताब करते हुए कहा कि जट का मतलब जदोजहद करने वाला और डट जाने वाला। जट इतिहाद को इतना मजबूत कर लें कि हमें किसी पार्टी से टिकट लेने की ज़रूरत ना पड़े। जट बरादरी का 80% वोट बैंक है, इसी का ही उम्मीदवार कामयाब होगा। चौधरी तनवीर वाला का कहना था कि आने वाला वक़्त जट इतिहाद के लिए बहुत साजगार साबित होगा, सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपने अंदर इतिहाद पैदा करना होगा। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में NA 78 से जट बरादरी का उम्मीदवार ही कामयाब होगा। मोहम्मद अरशद गनी ने अपने सदारती खिताब में कहा कि हम बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। बरादरी का हर फर्द हमारे लिए मोहतरम है, हम इसकी कदर करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जल्द बनने वाला सियासी इतिहाद जट बरादरी की मशावरत से ही तश्कील पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरा नारवाल न्यूज़।